नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने कहा, आईएस से जुड़े हुए हैं आजम खान। पेरिस हमले के बाद यूपी के मंत्री आजम खान के बयान पर भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने पलटवार करते हुए कहा है कि आजम आतंकी संगठन आईएस से जुड़े हुए हैं। साक्षी महाराज ने आजम के बयान की निंदा करते हुए कहा कि आप खुद ही देखिए, पेरिस में इतना बड़ा हमला हुआ, 150 लोग मारे गए, करीब 200 से अधिक घायल हैं, और आजम खान कहते हैं कि यह एक्शन का रिएक्शन है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि आजम खान की आतंकी संगठन आईएस से कहीं साठगांठ तो नहीं है। उन्होंने कटाक्ष किया कि लगता है कि आजम खान से पूछकर ही अलकायदा की टारगेट लिस्ट तैयार होती है। गौरतलब है कि आजम खान ने पेरिस हमले के बाद बयान दिया था कि यह एक्शन का रिएक्शन है, यह सुपर पावर देशों को सोचना चाहिए। पाकिस्तान ने फिर किया संघर्ष विराम का उल्लंघन। पाकिस्तान ने एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित अग्रिम सीमा चौकियों पर तड़के गोलीबारी की। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि पाकिस्तानी सैनिकों ने तड़के 2:45 पर अग्रिम चौकियों को निशाना बनाकर 3 से 4 राउंड गोलियां चलाईं, जिसके बाद बीएसएफ के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए छोटे हथियारों से गोलियां चलाईं। G20 के कुछ देश कर रहे हैं आईएस को फंडिंग, पुतिन ने सौंपे सबूत। G20 सम्मेलन के आखिरी दिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया कि आईएस को 40 देशों से फंडिंग मिलती है। इस आतंकी संगठन को आर्थिक मदद पहुंचाने वालों में G20 के कुछ सदस्य देश भी शामिल हैं। पुतिन ने आईएस पर G20 देशों से अपनी खुफिया जानकारियां साझा की। इस जानकारी में उन्होंने आईएस की फंडिंग की बात बताई। सम्मेलन के बाद पुतिन ने कहा कि आईएस तेल का गैर कानूनी कारोबार करता है, इसे भी तुरंत प्रभाव से खत्म करने की जरूरत है। रूसी राष्ट्रपति ने बताया कि उन्होंने साथी देशों को सबूत के तौर पर अंतरिक्ष से ली हुई तस्वीरें भी सौंपी हैं। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि आईएस किस लेवल पर पेट्रोलियम उत्पादों का कारोबार कर रहा है। अमेरिका खुले रखेगा सीरियाई शरणार्थियों के लिए दरवाजे। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुए आतंकवादी हमले के बावजूद अमेरिका की वर्ष 2016 में 10,000 सीरियाई शरणार्थियों को शरण देने की योजना है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बेन रोड्स ने बताया कि हम अभी भी सीरियाई शरणार्थियों को शरण देने की योजना बना रहे हैं और इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। SBI ने विजय माल्या को विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया। SBI ने विजय माल्या को विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। एक बिजनेस समाचार चैनल के मुताबिक SBI ने विजय माल्या के अलावा UB होल्डिंग को भी विलफुल डिफॉल्टर यानी जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वाला घोषित किया है। दरअसल किंग फिशर पर 17 बैंकों का करीब 7,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसमें SBI का करीब 1600 करोड़ रुपए का कर्ज है। विहिप नेता अशोक सिंघल का निधन। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल का मंगलवार को 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।